दिस ब्यूटी इज जस्ट 2 मिनट्स अवे फ्रॉम होम एंड यू गॉट अ सीन लाइक दिस यू फॉरगेट ऑल योर स्ट्रेस. उधर जाने का उधर उधर अरे देखना ये फीलिंग मैं ही समझ सकता हूँ. सैटरडे सुबह 8:15 का दृश्य आपको दिखा रहे हैं. जा रहे हैं हम बापदेव घाट पर अभी और आपको नज़ारा दिखाएंगे जो कि हमारे घर से है कुछ ही किलोमीटर दूर. तो वीकेंड्स का हमारा पहले आप नज़ारा देख लो कितना अच्छा है. बापदेव घाट शुरू होता है और आप देख सकते हो सामने कितना खूबसूरत नज़ारा है. और ये घाट मेरे घर से सिर्फ थोड़े किलोमीटर्स दूर है और यहाँ पर राइड करना एक अलग ही मज़ा है. भले वो शाम को रहे सुबह रहे या फिर कोई भी वक्त हो पर चलाने का जो मजा है वो अलग ही है. और आप देख सकते हो कि सामने मेरे इस व्यू पॉइंट से मैं क्या देख रहा हूँ क्या देख पा रहा हूँ. बादल तो जैसे नीचे आ गए हैं और उनके थ्रू हम जाएंगे. आप थोड़ा ये नज़ारा देख लो. थोड़ा और ऊपर जाते हैं ऐसा लग रहा है कि किसी ने ब्लैंकेट बिछा दिया है. इतना परफेक्ट सीन दिख रहा है इधर. इसलिए जब भी मैं ये रास्ते पे आता हूँ बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा मिलता है हमेशा. इट्स एन एब्सोल्यूट प्लेजर टू राइड ऑन दिस रोड एंड एब्सोल्यूट सीनिक सीन्स. या तो हम बेशक रुकाएंगे Always a bliss coming here. उधर जाने का उधर उधर अरे देखना ये फीलिंग मैं ही समझ सकता हूँ. तो आज के कहानी के पात्र अभिलाष शिंदे, आज की कहानी के दूसरे पात्र आयुष अग्रवाल, हमारे ट्रैवल मेट, कहानी के तीसरे पात्र आशीष काकड़े, हमारे स्कूल के मित्र, कहानी के चौथे और पांचवे पात्र से मिलते हुए केले कुरपाली कुरपाली और दक्षा वालेचा बीवी वालेचा से हाय हाय से हाय टू द कैमरा. Amen. आज के कहानी के और एक पात्र अभिषेक सुर्वे, अभिषेक सुर्वे के साथ उनका कैमरा सोनी A6000. हाँ बस हो गया. अरे बाकी का है वो दो किधर गए? सब लोग हाय बोल के जाओ ना. ये रिकॉर्ड हो रहा है. तुम लोग गाली दिए वापस. कुरपाली हाय बोल के जा कैमरा मॉडल है ना तू इधर.
ये मॉडल फ्रेम में आगे के सीन दिखाते हुए हम बढ़ रहे हमारे दूसरे स्पॉट की तरफ। थोड़ा सा हम अभी आगे एक छोटी सी दुकान है जहाँ पे मस्त वड़ा पाव मिलता है, एकदम मस्त वड़ा पाव। तो वहाँ पे वड़ा पाव हमारे दोस्तों के लिए ले लेंगे। और जो हमारा मेन स्पॉट है, जो एकदम सीक्रेट है और बहुत सही जगह है, एकदम गांव के अंदर है, वहाँ पर बैठ के खाएंगे। तो यहाँ पे घाट होता है ख़त्म। देख सकते हो नज़ारे, आँखों को चूमते हुए, दिल से बहते हुए और पूरे बदन में सुकून देते हुए। और ये ट्रक बहुत इरिटेट कर रहा है, तो हम इसको करेंगे ओवरटेक संभाल कर। है हमारे पास F325। मैं रुकना चाहता हूँ। अरे तब से सोच रहा हूँ, देख के निकलते व्यू क्या करना है। अरे वो देखिए, अभिलाष के भी वही विचार है, वो व्यू बहुत कंपेलिंग है। हम तो भाई इसका पूरा लुफ्त उठा ही गए है ना। बराबर यहाँ से लेंगे हम थोड़ा सा पार्सल। अगर आप पुणे में रहते हो और ये स्पॉट पर आना चाहते हो तो बागदेव घाट उतरने के बाद ये लोकेशन याद रखना। तो ये अमराई 69 का होटल है इधर, और यहाँ पर एक छोटा सा कमान है, तो यहाँ से आपको राइट लेना है। गांव में घुस जाओगे तो एक छोटा सा गांव है, बहुत ही प्यारा सा। इधर भी आपको इतने खूबसूरत सीन्स देखने मिलेंगे जिससे कि दिल एकदम खुश हो जाता है। टिपिकल गांव का सीन, छोटे छोटे प्लांट्स, छोटे छोटे खेत, यहाँ पर सनफ्लावर। एक बार हम जब यहाँ से जा रहे थे तो एक पीकॉक ने हमारा रास्ता काटा था, तो हम लोग लिटरली रुके थे और उसको जाते हुए देखे थे, फोटोज निकाले थे। ऐसा एक्सपीरियंस किधर भी नहीं करने को मिलता है। यहाँ पर हमारा एक इंस्टाग्राम पे फ़ोटो डाला है, अगर आपने इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं किया तो करो यार, अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ क्लिक करके डालता हूँ। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो अगर आप बार बार करते हो तो थोड़े वक्त के बाद वो बोर हो जाता है, बट यहाँ पर आना या फिर इन जनरल कहीं पर भी घूमना वही जगह पर कभी बोर नहीं हुआ मुझे। बट इनफैक्ट वापस बार बार इस जगह पे आना और ये ऐसा सीन एक्सपीरियंस करना हमेशा उतनी ही खुशी देती है जितना कि पहली बार दिया था। आप देख सकते हो मेरी गाड़ी की स्पीड 40 के ऊपर जा नहीं रही है, तो आप सोच सकते हो कि मैं आराम से चला कर इस सीन का, इस एम्बियंस का लुफ्त उठा रहा हूँ। जब हम पहली बार आए थे तो ये रास्ता बना भी नहीं था, अराउंड एक साल पहले हम लोग इधर आए थे और ये रास्ता तभी बना भी नहीं था, तो तब बहुत मुश्किल हुई थी गाड़ी चढ़ाने के लिए। दे ऑलरेडी रीच्ड वी यस, and it's every time an absolute pleasure to see this scenery and
एवरी टाइम यू कम हियर यू गेट अ डिफरेंट लाइक अ पेंटिंग सेम कैनवस पर डिफरेंट कलर्स. तो पहुंच गए हम लोग हमारे सीक्रेट स्पॉट पे और यहाँ पे एक छोटा सा ऐसा हिल है जहाँ पे एक क्यूट सा स्पॉट है जहाँ पर बैठ के हम चिल कर सकते हैं. तो अभी मैं उधर ही चढ़ रहा हूँ. मैं आसपास का व्यू देख सकते हो आप. क्या हो गया? आसपास का व्यू देख सकते हो कितना सही है. और हम देख सकते हैं आयुष अग्रवाल को चढ़ते हुए. गाड़ियाँ उधर लगाई है, मंजिल वहाँ पर है. तो अभी चढ़ेंगे. तो यार देखिए यहाँ पे अनबॉक्सिंग वीडियो दे रही नहीं रे. अरे ये नजारा, गरम गरम वड़ा पाव और ऐसे दोस्त, और क्या चाहिए जिंदगी में यार. क्या नहीं प्यार चलेगा तू. हाय पानी. तो गाइस बज रहे हैं 11, यहाँ से हम निकल रहे हैं. तो ये है हमारा सीक्रेट स्पॉट. आते हैं थोड़ा चिल करते हैं, उतना ही मज़ा है. जिंदगी ना छोटी छोटी मोमेंट, छोटे छोटे मोमेंट्स को सेलिब्रेट करने में होता है, उसी में खुशी मिलती है. जैसे कि मैंने बताया था कि सुबह सुबह कुछ अलग नज़ारा देखने को मिलता है. और अभी बज चुके हैं 11:30, हम जा रहे हैं वापस घर. और अभी कुछ और नज़ारा देखने मिलेगा जब हम यहाँ से उतर रहे हैं बाबे घाट से. तो गाड़ी डालते हैं न्यूट्रल पे, इंजन क्लोज और आप नज़ारा एंजॉय कीजिए. से हाय टू द कैमरा. दोस्तों तभी हो गई थी गोप्रो की बैटरी ख़त्म और अभी अनफॉर्चुनेटली वीडियो हो रहा है ख़त्म. तो बताना मुझे कैसा लगा रहा हमारा सीक्रेट स्पॉट. तो तब तक के लिए अपना अटमोस्ट ख्याल रखना और कोरोना वायरस से बच के रहना. और तब तक के लिए दिस इज़ अली खान फॉर यू साइनिंग ऑफ. बाय बाय एंड टेक केयर.